अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ आंसा महरीन। आज आपके लिए लेके आई हूँ जनरल नॉलेज की एक और नई वीडियो। आई नो कि सब लोग इस वक्त लेक्चरर्स के टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो रहे होंगे। मोस्टली जिन लोगों ने अप्लाई किया है वो लेक्चरर के टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, लेकिन 80% पोर्शन को आप डेफिनेटली रेडी करेंगे क्योंकि वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है और उस पर डेफिनेटली आपकी ग्रिप ज़्यादा है। लेकिन उस 20% पोर्शन को मत भूलिएगा जो कि जनरल नॉलेज से रिलेटेड है। तो मैंने डिफरेंट वीडियोस जनरल नॉलेज के टॉपिक पे पहले ही अपलोड की हुई हैं। मैं मज़ीद आने वाले दिनों में भी इसी तरह की मज़ीद वीडियोस अपलोड करूँगी। तो आज की वीडियो भी जनरल नॉलेज के हवाले से ही है जो कि आपके उस 20% पोर्शन को कवर करेगी। देखिए, चाहे वो बॉटनी के स्टूडेंट हैं, जॉलोजी के, केमिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, कोई भी स्टूडेंट हैं, 80% तो डेफिनेटली उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। मैं जो आपको गाइड कर सकती हूँ वो 20% के लिए फॉर लेक्चरर एग्ज़ाम्स। इसके साथ साथ कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उसमें 100% जिसमें पोर्शन जनरल नॉलेज के हवाले से होता है उसके लिए तो डेफ़िनेटली ये वीडियोज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो आएँ वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है ऑलिव ब्रांच इज़ द सिंबल ऑफ। तो ऑलिव ब्रांच किस चीज़ का सिंबल है? ये पीस का सिंबल है, अमन का सिंबल है। इस्लामाबाद कौन से प्रोविंस का हिस्सा है? अब आपको भी पता है कि हमारे पास चार प्रोविंस हैं, तो इस्लामाबाद कौन से प्रोविंस में आता है? तो इस्लामाबाद किसी भी प्रोविंस में नहीं आता। यकीनन सोच में तो पड़ गए होंगे ना, लेकिन इस्लामाबाद किसी भी प्रोविंस में नहीं आता। हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज़ इन, ये पेरिस में है। सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ये जॉन एडम्स। और दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? ये किंग खालिद एयरपोर्ट है रियाज में। और दुनिया में सबसे ज़्यादा गंदम पैदा करने वाला कौन सा मुल्क है? ये है चाइना। दुनिया का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? तो ये है सहारा डेजर्ट। और एज़ पर साइंसिस्ट एस्टिमेटेड एज ऑफ यूनिवर्स जो है कायनात की जो एक एस्टिमेटेड लाइफ है वो है 13 बिलियन। कैपिटल ऑफ बेल्जियम है ब्रुसेल्स। अब इंटरपोल हम बहुत सुनते हैं, इंटरपोल इंटरपोल इंटरपोल, तो हमें किसी को ये नहीं पता कि इंटरपोल बेसिकली है क्या। तो ये इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस को कहते हैं इंटरपोल। बुर्ज अल खलीफा ये सबसे टॉलेस्ट सिचुएटेड बिल्डिंग है और ये दुबई में है। ब्राइटेस्ट प्लैनेट हमारे जो सोलर सिस्टम में जो सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है वो है वीनस। कैपिटल ऑफ पोलैंड कौन सा है? ये वारसा है। और माय लाइफ एंड फ्रेगमेंट ये बुक किसने लिखी? तो ये बुक मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने लिखी। पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर कौन सा है? ये है जैस्मिन। लेंथ ऑफ इंडो पाक बॉर्डर 3,310 किलोमीटर। और गवादर पाकिस्तान ने कहाँ से परचेज़ किया, किससे परचेज़ किया? तो ये पाकिस्तान ने ओमान से परचेज़ किया। अब आप सबको पता है कि बलूचिस्तान हमारा एक सूबा है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये प्रोविंस का स्टेटस इसको कब मिला। तो ये 1970 में इसको प्रोविंस का स्टेटस मिला। अच्छा, ये भी सबको पता है कि पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि पाकिस्तान का कैपिटल कराची से इस्लामाबाद कब शिफ्ट हुआ। तो ये 14 अगस्त 1967 में। पाकिस्तान में सबसे पहले जिनको निशान हैदर मिला वो है कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद। और M8 मोटरवे कौन से एरिया को कनेक्ट करती है? तो ये रतुडेरू टू गवादर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।